हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक हीरोइक पोएम या फिर एज अ मॉक एपिक पोएम। मतलब कि हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो हमारी पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि इसको एक मॉक एपिक पोएम बनाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है इस पोएम में से। तो इसी वीडियो में आपको इसके की नोट्स भी मिल जाएंगे, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। तो मॉक एपिक पोएम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे देना चाहती हूँ मॉक एपिक पोएम्स के बारे में, ताकि आपको ये पता चले कि मॉक एपिक पोएम्स होती क्या हैं, उनका पर्पस क्या होता है, ताकि आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से समझ में आ जाएं, जो कि द रेप ऑफ द लॉक को एक मॉक एपिक पोएम्स बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले जो मॉक एपिक पोएम्स वो क्या होती हैं, मॉक एपिक पोएम्स जो होती हैं वो क्लासिकल एपिक पोएम्स को सटायर करती हैं और इनका जो स्टाइल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल एपिक पोएम्स के जैसा ही होता है। यहाँ पे डिफरेंस जो मेन होता है ना एपिक पोएम्स और मॉक एपिक पोएम्स में, उनके सब्जेक्ट मैटर में होता है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जिसके ऊपर जो है हमारी पूरी पोएम, जिस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है, उसमें इन दोनों में डिफरेंस होता है। वो कौन सा डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊँगी। और जो स्टाइल और जो स्ट्रक्चर है वो दोनों में एक जैसा ही होता है। तो जैसे हमें पता है कि जो एपिक पोइम्स होती हैं वो लेंथ में काफ़ी बड़ी होती हैं, बहुत लेंथी होती हैं, उनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेम वे में जो मॉक एपिक पोइम्स होती हैं उनमें भी यही वाले एलिमेंट्स, मतलब उनकी लेंथ भी बड़ी होती है, उनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो डिफरेंस मेन आया वो कहाँ पर आया, वो आता है सब्जेक्ट मैटर में। अब एपिक पोइम्स में क्या होता है कि इनका जो सब्जेक्ट होता है वो एंशियंट हीरोज़ और उनके लाइफ के एडवेंचर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, जिनमें उनकी करेज को, उनके डीड्स को बड़े ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया गया होता है। उनको एक सुपर ह्यूमन के वे में प्रेजेंट किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जो मॉक एपिक पोएम्स होती हैं उनका सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है, उनका जो सब्जेक्ट है वो ट्रिवियल होता है। मतलब ट्रिवियल मतलब मामूली सा, छोटा सा सब्जेक्ट, उसी छोटे से सब्जेक्ट के ऊपर पूरी की पूरी हमारी पोएम बेस्ड होती है। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस आया वो सब्जेक्ट मैटर का आया, जहाँ पे एपिक पोएम्स का जो सब्जेक्ट हो गया वो ग्रैंड होता है और मॉक एपिक पोएम्स का जो सब्जेक्ट हो गया वो ऑर्डिनरी होता है। अब इन्हें लिखने का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, मॉक एपिक पोएम्स को लिखने का इनका मेन पर्पज़ होता है सटायर करना, मतलब व्यंग कसना। अब किसके ऊपर व्यंग कसा जा रहा है, सोसाइटी के ऊपर। क्यों कसा जा रहा है, क्योंकि सटायर करके फिर रिफॉर्मेशन लेके आना, मतलब सुधार करना उस चीज़ में, ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन तो क्लियर होगी होगी। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मॉक एपिक पोएम्स की। तो अ मॉक एपिक पोएम, या कि जिसको हम मॉक हीरोइक पोएम भी बोल सकते हैं, इज अ काइंड ऑफ नरेटिव पोएम, एक नरेटिव पोएम होती है। अब नरेटिव पोएम्स क्या होती हैं, जिनमें हमें एक स्टोरी बताई गई होती है, विच डील्स विद अ वेरी ट्रिवियल थीम। इनका जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, वो ट्रिवियल होता है, मामूली होता है, इन अ लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब होता है एलिवेटेड, बढ़ा चढ़ा कर, एंड ग्रैंड स्टाइल, मतलब उस चीज़ को, उस छोटी सी चीज़ को बड़े ही बढ़ा चढ़ा कर हमें बताया गया होता है, विद अ व्यू ऑफ सटायराइजिंग एंड रिफॉर्मेशन। तो इनका जो मेन जो गोल हो गया वो सटायर करना हो गया और फिर रिफॉर्मेशन लेके आना, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी होगी। तब हम देखते हैं कि जो हमारी जो पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि इसको एक मॉक एपिक पोएम बनाते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया वो है कन्वेंशनल एपिक इन्वोकेशन ऑफ म्यूज। अच्छा, अभी इन्वोकेशन का क्या मतलब होता है, इन्वोकेशन का मतलब होता है आवाहन करना, समन करना। अब यहाँ पे किसका आवाहन किया जा रहा है, म्यूज़ का। म्यूज़ कौन होती है, देवी को बोलते हैं, मतलब शक्ति, ठीक है। तो जो क्लासिकल एपिक पोएम्स है, अभी मैंने आपको बताया था कि इनका स्ट्रक्चर एपिक पोएम्स के जैसा ही होता है, तो एपिक पोएम्स की जो शुरुआत होती है उसमें
पोएट हमेशा सबसे पहले म्यूज को इन्वोकेट करता है। कैसे करता है कि जैसे मैं एक पोएम लिखने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप उसमें मेरी हेल्प करो मेरी पोएम को कंपोज करने में। इस तरह से एपिक पोएम्स की शुरुआत होती है और उसके बाद वो अपनी जो स्टोरी है उसकी शुरुआत करता है। जैसे कि हम मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट पोएम है उसमें भी हम देखते हैं, पैराडाइज लॉस्ट एक तरह की एपिक पोएम है, आपने पढ़ी होगी सेम वन में। तो ऐसा ही हमें सेम चीज़ रेप ऑफ द लॉक में भी देखने को मिलती है। इसमें भी जो हमारे पोएट हैं अलेक्जेंडर पोप, वो सबसे पहले म्यूज़ को इन्वोकेट करते हैं और उसके बाद अपनी पोएम की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा एक एलिमेंट हो गया मोक एपिक पोएम वाला। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, थीम इज़ वेरी ट्रिवियल एंड रिड्यूलस। अब ट्रिवियल का मतलब मैंने आपको बताया मामूली सा, ठीक है, छोटा सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे ट्रिवियल है। और रिडिक्यूलस का मतलब होता है हास्यास्पद, मतलब जिसको पढ़ के हमें हंसी आए, उपहास किया गया हो जिसमें। अब मोक एपिक पोएम्स का ये मेन ट्रेट होता है कि इनका जो सब्जेक्ट होता है वो ट्रिवियल होता है। अब इस पोएम में भी सारी की सारी जो कहानी है वो एक हेयर के लोग के इर्द गिर्द घूमती है, उसी लोग के पीछे जो लोग हैं सब वो आपस में लड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे किसी जेन्युइन पैशन या फिर डीप थॉट का सब्जेक्ट लेकर नहीं चल रही है पोएम। अब इसका जो मेन पर्पज़ है वहाँ के उस टाइम के 18th सेंचुरी के लोगों को सटायर करना है। जब ये पोएम लिखी गई थी 18th सेंचुरी में, तो उस टाइम के लोगों के अंदर जो आर्टिफिशियलिटी आ चुकी हुई थी, इस पोएम का मकसद उस आर्टिफिशियलिटी को सटायर करना है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है सटायरिक या फिर मोरल टोन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मोक एपिक पोएम्स होती हैं उनका जो टोन होता है वो सटायर करने वाला होता है, डिफॉर्मेशन का होता है। तो ये पोएम्स भी 18th सेंचुरी के लोगों को सटायर कर रही थी, क्योंकि उस टाइम के जो यंग मेन और विमेन थे वो अपना जो टाइम था वो उसको फालतू की चीज़ों में वेस्ट करते थे, फ्लर्ट करते रहते थे आपस में, क्लब्स जाते थे, ड्रिंक करते थे, मतलब वो लोग प्लेजर सीकिंग बन चुके थे। तो पोप की ये जो पोएम है वो उस टाइम के सोसाइटी के इल्स और फॉल्ट्स को हाईलाइट करके उन्हें सटायर करती है। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। अब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब जो इस दुनिया के ना हों, जो इस दुनिया से परे हों, मतलब जैसे स्पिरिट्स वगैरह। तो ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एपिक पोएम्स का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, और क्योंकि मैंने बताया कि मोक एपिक पोएम्स का स्ट्रक्चर एपिक पोएम्स के जैसा ही होता है, तो इनमें भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। रेप ऑफ द लॉक में भी हम स्पिरिट्स को देखते हैं, जैसे कि ग्नोम्स, सिल्फ्स, ठीक है, वो पोएम में मोर्टल्स मतलब इंसानों की दुनिया में ये स्पिरिट्स अलग अलग रोल प्ले करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है पॉइंट वॉरफेयर का। वॉरफेयर मीन्स लड़ाई। मोक एपिक पोएम्स में भी एपिक पोएम्स के जैसे बैटल दिखाई जाती है, पर क्योंकि इनका सब्जेक्ट ट्रिवियल होता है तो इसलिए सीरियस टाइप की लड़ाई नहीं होती। तो इस पोएम में भी हम यही हमें बैटल्स देखने को मिलती हैं जो कि मेन और वुमेन में होती हैं। ये लड़ाई भी वो लोग अपने एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के साथ ही लड़ते हैं, जैसे कि पेटीकोट, हेयर पिन, सीजर वगैरह। ठीक है, तो ये मतलब सीरियस टाइप में नहीं हो रही है लड़ाई। तो पोएम में जो हम देखते हैं ओम्बर गेम का जो सीन हमें दिखाया गया है, वो भी एक तरह से एपिकल फाइट्स की पैरोडी है। तो यही थे जो मेन एलिमेंट्स हमें द रेप ऑफ द लॉक में देखने को मिलते हैं मोक एपिक पोएम्स के, जो कि इसको एक मोक हीरोइक या फिर मोक एपिक पोएम बनाती हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इन्हें लिख के अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिट देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।